पूरा एकदम रामायण कालीन, और ऊपर के साइड जो है ये भगवे झंडे लगे हुए हैं। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, एयरपोर्ट की बाउंड्री देखिए अब यहाँ तक हो गई, जो आपको दिख रही है वीडियो में बाउंड्री वहाँ पे देखिए। एक चीज़ दोस्तों आपको और दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए ये टिकट का रेट वगैरह दिया गया है, आप वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। देखिए अभी वहाँ सब जो ऊपर आप देख सकते हैं काम अभी बाकी है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब, स्वागत है फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो अभी हम खड़े हुए हैं महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जहाँ से प्रवेश द्वार है उस पॉइंट पे खड़े हुए हैं, जो कि पहले यहाँ श्री राम अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा हुआ करता था। तो हम चलेंगे आपको दिखाएंगे कई सारी चीज़ें अपडेट की गई, जैसे कि आप वॉल पे देख सकते हैं कितनी अच्छी मतलब डिज़ाइनें बनाई गई हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को और भी आगे बनाया गया है, और भी चीज़ें अपडेट की गई हैं, किस प्रकार से मतलब एयरपोर्ट का काम अभी मतलब मौके पर कितना फिनिश्ड हो चुका है। तो चलिए चलते हैं, आपको यहीं से लेके चलते हैं। दोस्तों ये सामने देख सकते हैं आप, ये है सुल्तानपुर टू अयोध्या राजमार्ग, और राइट साइड की ओर ये पड़ता है अयोध्या नगरी, और लेफ्ट साइड की ओर पड़ता है सुल्तानपुर। यहाँ से करीब राम मंदिर की बात करते हैं तो राम मंदिर लगभग होगा 12 किलोमीटर की दूरी पे, मेन अयोध्या का जहाँ पे एयरपोर्ट का मतलब जैसे ये बाहर निकलेंगे वहाँ से, और यहाँ से जो है ये एयरपोर्ट का जो है प्रवेश पॉइंट इधर से है। और इधर सब आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये गमले वगैरह बिल्कुल रखे गए हैं, इस बार तो गमले मान लीजिए बचे हुए हैं, एकदम बिल्कुल ही रियल हैं ये सब। और डिज़ाइन आपको दिखाते हैं, देखिए इधर के साइड जो है कितने अच्छे से वॉल पे डिज़ाइन बनाई गई है, बिल्कुल ही ये लाइन से ताकि देखने में अच्छा लगे। पेड़ पौधे देखिए कितने अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है, अगर आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे होंगे तो पेड़ पौधे एकदम मतलब ना के बराबर थे, एकदम छोटे छोटे, अब तो काफ़ी सही हो चुके हैं। देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइन बनाई गई है, उधर के साइड भी, उधर के भी जो शटर वगैरह है उस पर भी देख सकते हैं दुकान के ऊपर कैसे डिज़ाइन बनाई गई है, काफ़ी सही लग रहा है। एयरपोर्ट का एरिया लगना चाहिए ना कि हाँ एयरपोर्ट है, तो यही सारी चीज़ों को देखते हुए जो है ये सारी चीज़ें मतलब की जा रही हैं, और भी ज़्यादा अच्छा इसको बनाया जा रहा है, बस कुछ चीज़ों की कमियाँ हैं जो कि अभी हम आगे चलते हैं आपको बताते हैं। सामने देखिए कैसे दुकान के ऊपर वो सब डिज़ाइनें बनी गई, आइए इधर से चलते हैं। एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, देखिए जो सीमेंटेड रखा हुआ था इस पर भी अच्छा खासा ध्यान दिया जा रहा है, जो कि एज इट इज़ बिल्कुल वैसे ही लग रहा है मुझे। इधर पहले ये देख लीजिए कैसे इधर भी डिज़ाइन बनी हुई है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है, ऐसे ही ध्यान दिया जाए तब तो अच्छी बात है, एकदम साफ सफाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, वहाँ पे अपडेट है कुछ चीज़ें उसको दिखाते हैं आपको। ये है दोस्तों इस साइड की ओर राइट साइड पे 63 वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का पूरा कैंपस पड़ता है बहुत बड़े एरिया में। तो हम चलते हैं थोड़ा सा राइट साइड की ओर, आपको इधर दिखाते हैं कुछ जो है डिज़ाइनें बनाई गई उसको आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से कितनी अच्छी अच्छी कलाकारियां की गई हैं, देखिए कितनी अच्छी अच्छी डिजाइन है, ओ भाई इसी पे साइकिलिंग हो रही है, देखिए कितने अच्छे से डिजाइने बनी हुई हैं, पूरा एकदम रामायणकालीन, और ऊपर के साइड जो है ये भगवे झंडे लगे हुए हैं अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल ही अपडेट में है, नए अपडेट में जितना भी आपको अगर वॉल वगैरह दिखेगा सब पे कुछ अच्छा अच्छा मतलब डिज़ाइन और होर्डिंग्स ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। आइए चलते हैं अब और आगे और आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 3311 KV विद्युत केंद्र है, इसके भी वॉल पे देखिए जैसा कि हमने बताया आप जितनी भी वॉल और ये बाउंड्री है सब पे अच्छी अच्छी डिज़ाइन और अच्छे से पेंट कर दिया गया है, ताकि जो बाहर से लोग आए वो थोड़ा सा देखें तो उन्हें अच्छा लगे। अब यहाँ से ये देखिए मार्ग ऐसे घूमा हुआ है, सीधा वहाँ पर दूर दिखता है एयरपोर्ट का टर्मिनल, और ये सामने राशि दशरथ मेडिकल कॉलेज का रास्ता है इधर की साइड,
हम चलते हैं इधर के साइड, आपको इधर की चीज़ें दिखाना है। तो हम एक चीज़ आपको बताए थे, इधर एक ही चीज़ की कमी है कि आपको अगल बगल कोई स्टोर वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेगा। नहीं तो स्टोर कहने का मतलब शॉप्स वगैरह होनी चाहिए, होटल्स होने चाहिए अगल बगल, जो कि अभी बिल्कुल नहीं है और आगे ना होने की मुझे उम्मीद भी नहीं लग रही है कि एक दो साल के अंदर में बन जाए। तो ये सारी चीज़ें इधर सब हो जाए जल्दी से तो सही है। और खाने पीने के लिए देखिए छोटा छोटा जो है स्टॉल टाइप का ऐसे है लोगों के, मतलब घुमटी टाइप की दुकानें हैं कुछ इस टाइप की। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, एयरपोर्ट की बाउंड्री देखिए अब यहाँ तक हो गई, जो आपको दिख रही है वीडियो में बाउंड्री वहाँ पे देखिए बिल्कुल सीधाने में वो जो है मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे, जैसा कि राष्ट्रीय दशरथ मेडिकल कॉलेज आपने देखा हुआ, इसको जो है पूरा का पूरा एयरपोर्ट में ले लिया गया है। अब इधर से कंप्लीट ऐसे सीधे होते हुए और हिस्सा जो है काफ़ी ज़्यादा हिस्सा लिया जा रहा है। साफ़ सफाई भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लगे हुए हैं वर्कर, और सामने एयरपोर्ट का भव्य नज़ारा आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं और आगे और चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये वहाँ पे एक घर जो है आपको टूटा हुआ दिख रहा होगा, जैसा कि मैं कह रहा था कई सारी बहुत से ज़्यादा एरिया में जो है ज़मीनें ली जा रही हैं और आगे और भी ली जाएंगी। तो ये सारी एरिया जो है इधर के साइड ये पूरा का पूरा एयरपोर्ट में, और देख सकते कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ऑटो खड़े हुए हैं, टेम्पो, मतलब इसी इंतज़ार में कि अभी जो है यात्री आएंगे एयरपोर्ट के अंदर से और इनको मतलब जहाँ जाना होगा वहाँ छोड़ें। ये भी एक तरीके का रोज़गार ही है, देख सकते हैं कितने सारे बैटरी रिक्शा खड़े हुए हैं वहाँ पे। इधर के साइड भी देख सकते हैं लाइन से, और नगर निगम की ओर से वहाँ पे वो यात्री निवास टाइप का है, जैसे वेटिंग एरिया टाइप का उस साइड की ओर। और ये सामने एयरपोर्ट देखिए कितना भव्य देखने में लग रहा है, क्योंकि यहाँ रोकते हैं गाड़ी तो आपको दिखाते हैं चीज़ों को। देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप देखने, पूरा कंप्लीट लगभग काम हो चुका है, मगर अभी भी थोड़े बहुत काम बाकी हैं। तो ये अगल बगल चीज़ें कुछ ऐसी अपडेट हुई हैं, अभी कई सारी चीज़ें अपडेट होना बाकी। यहाँ पे एक डिस्प्ले लगा हुआ है, प्रयागराज मार्ग यहाँ से दिखे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए चलते हैं इधर से अंदर के साइड, कितना अच्छा लग रहा है देखने में एयरपोर्ट। अब इधर से देखिए कंस्ट्रक्शन के पूरे जो होते हैं कंटेनर, इसमें यहाँ पे रखे गए हैं जो कि लोग रहते हैं। तो ऐसा कुछ ये एंट्री है इधर से, बहुत सही लग रहा है यार देखने में भाई। स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर की। अब ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो कि मुझे लग रहा है कि इसी से ही एरोप्लेन्स वगैरह में तेल डाला जाता है। आप देखिए ये सब कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप गार्डनिंग कितना अच्छा कर दिया गया है। देखिए गेंदे का फूल, पानी देखिए डाला गया है। अब एयरपोर्ट है भैया तो ध्यान तो देना ही पड़ेगा ना, बिना ध्यान दिए कैसे। देखिए ये पूरा हिस्सा बीच में कितना ज़बरदस्त लग रहा है, यहाँ एक मंदिर हुआ करती थी मुझे याद है, मंदिर ही क्या पूरे के पूरे गांव हुआ करते थे। अब वो देखिए बीच उधर वहाँ पे पार्किंग एरिया पूरा, अब देखिए यहाँ से दिखाते हैं, बड़ा सही लग रहा है यार। अब ये पूरा देखिए फ्रेम में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत सही भाई, जबरदस्त, एक नंबर का सीन। देखिए वो बड़े बड़े कंटेनर जो है दो दो क्रेन से, अब ट्रक के ऊपर रखे जा रहे हैं। देखिए ये गार्डन कितना अच्छा लग रहा है, लोग उसी में लेटे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बैठे हैं। इधर ये पार्किंग एरिया पूरा का पूरा। अब उस कंटेनर में बात करते हैं, उसमें होता है ऑफिस, जैसा कि आपको हमने वहाँ भी दिखा कंटेनर था, तो उसमें लोग रहते हैं, उसमें ऑफिस रहती है।
तो ऐसा इधर ये पार्किंग का एरिया पूरा का पूरा, उधर एंट्रेंस मेन। अभी देखिए पेड़ पौधे लगाए गए हैं मगर अभी बड़े नहीं हुए हैं। ये है बिल्कुल फ्रंट। एक चीज़ दोस्तों आपको और दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए ये टिकट का रेट वगैरह दिया गया है, आप वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा। और एक चीज़ लिखा हुआ यहाँ पे साइड में भी देख लीजिए, टिकट ना होने पे 300 रुपये जुर्माना या खो गया तो, कुछ ऐसा है। ये पार्किंग का पूरा यहाँ पे भी उड़ा था, आप वीडियो रोक के देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि ऊपर के साइड आप देख सकते हैं काम हो रहा है, हमने आपको बताया था कि अभी निर्माण इसमें बाकी है, अब अंदर तो जाना एकदम इम्पॉसिबल है। देखिए बड़ी सी लाइट यहाँ पे, यहाँ पे एक राम मंदिर का मॉडल और मोदी जी बने हुए इस पॉइंट पे, थोड़ा सा उसको आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से जो है अभी भी निर्माण कार्य इसका चल रहा है। D1 D2 आगमन, दो डिपार्चर एक अराइवल। देखिए यहाँ पे विरासत भी विकास भी, जय हो मोदी जी, बहुत बढ़िया यार। बीच वाला पोर्शन काफी ज्यादा हैवी था। अब देखिए पूरा एकदम लगे हुए CISF वाले, क्योंकि इन्हीं की कमान में रहती है पूरा का पूरा देख रेख। देखिए ऐसा एयरपोर्ट अयोध्या में ही हो सकता है और कहीं नहीं, क्योंकि अत्यंत खूबसूरत। अभी तो फ्लाइट वगैरह मुझे नहीं लग रहा है आई है, नहीं तो अब तक एकदम आना जाना शुरू हो जाता। देखिए अभी वहाँ सब जो ऊपर आप देख सकते हैं काम अभी बाकी ही है। गेट नंबर 1 उधर के साइड है, यहाँ पे मुस्तैदी से CISF खड़ी हुई है। और एक सहायता केंद्र देखिए यहाँ पे कंटेनर में। चलिए इधर से चलते हैं घूमते हुए अब कि एयरपोर्ट के अंदर ये जो होर्डिंग्स लगी हुई है प्रचार करने के लिए, इसका अच्छा खासा मतलब चार्ज देना पड़ता होगा कंपनियों को, तभी ये एयरपोर्ट के अंदर ऐसा अपना कर पा रहे हैं। और यहाँ से देखिए कितना बेहतरीन ये लग रहा है एयरपोर्ट, वहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। और ऊपर के साइड आपको ये पीतल का है, बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है। कई सारे लगे हुए हैं, 1 2 3 4 कई सारे दूर से देखने में समझ में आएंगे। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से ये महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत। ऐसा सिर्फ अयोध्या में ही हो सकता था, इतना खूबसूरत, इतने अच्छे से डिज़ाइन वगैरह, मतलब ये जो टर्मिनल का बनाया गया है। और बात करते हैं पहले फेज की, तो 2250 मीटर का रनवे बनाया गया है, और जब दूसरा चरण का रनवे बनेगा तो 3300 कुछ मीटर का, मतलब 3350 मीटर का रनवे हो जाएगा, जिसका कि हम आपको अपडेट दिखाने वाले हैं बहुत ही जल्दी कि उसका काम स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी जो है इधर सब हमने आपको दिखाया, बहुत ही चीज़ें मतलब कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कि मुझे लग रहा है 10-5% ही चीज़ें अभी कंप्लीट होना बाकी हैं। तो धीरे धीरे जो है चीज़ें बहुत ही अच्छी हो जाएंगी आने वाले समय में, बहुत ही अच्छा मतलब हर चीज़ हो जाएगी, जो कि लोगों को रोज़गार का भी साधन मिल जाए। जैसा कि आपने बाहर देखा कि कई सारे ऑटो रिक्शा और होटल्स वगैरह की जो है जिसकी ज़मीन बच जाएगी, तो सोचिए अगर वो खोल लेगा तो कितना ज़्यादा उसको मतलब अच्छा अवसर मिल जाएगा ये रोज़गार का। तो फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो के साथ, किसी और अपडेट्स के साथ अयोध्या के। तब तक के लिए जय श्री राम, ध्यान रखिएगा अपना।